सब्सक्राइब कीजिए थिंक बेटर यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। शिक्षा के बारे में विवेकानंद के विचारों से बहुत कुछ सीखना है हम लोगों को। उन्होंने शारीरिक शिक्षा, नैतिक और धार्मिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया। उन्होंने शिक्षा क्षेत्र में महिलाओं के शिक्षा, समाज के माध्यम और कमजोर वर्गों के शिक्षा के ऊपर जोर देने के लिए कहा है। मैं इन सभी विषय पर अपने विचारों का विस्तारित वर्णन दूंगा। शारीरिक शिक्षा। शारीरिक शिक्षा के ज्ञान के बिना आत्म प्राप्ति या चरित्र निर्माण संभव नहीं है। ये पता होना चाहिए, मजबूत शरीर के बिना मजबूत मस्तिष्क संभव नहीं है। विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद ने पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा के आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा, गीता के अध्ययन के मुकाबले आप फुटबॉल के माध्यम से स्वर्ग के निकट होंगे। जब आपका शरीर अपने पैरों पर स्थिर रहता है और आप खुद को आत्मगौरव अनुभव करते हैं, तब आप गीता उपनिषद को बेहतर समझेंगे। शिक्षा का माध्यम। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर की तरह विवेकानंद ने भी मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मातृभाषा के अलावा एक समान भाषा होना चाहिए जो देश को एकजुट रखने के लिए आवश्यक है। विवेकानंद ने संस्कृत की महानता की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये सभी भारतीय भाषा का स्रोत और विरासत में मिली सभी ज्ञान का एक संग्रहशाला है, इसलिए संस्कृत के बिना भारतीय संस्कृत को समझाना असंभव होगा। एक प्राचीन विरासत के एक स्टोर हाउस की तरह है। हमारे समाज को विकसित करने के लिए ये आवश्यक है कि पुरुषों और महिलाओं को अपनी मातृभाषा के ज्ञान के अलावा ये भाषा पता है। नैतिक और धार्मिक शिक्षा। विवेकानंद ने कहा, धर्म शिक्षा का सबसे अंतर है। धर्म चावल और बाकी सब कुछ कारी की तरह है, केवल कारी लेने से अपच का कारण बनता है, और ऐसा ही अकेले चावल लेने के मामले में होता है। इसलिए धार्मिक शिक्षा एक धनी पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। विवेकानंद ने गीता उपनिषद और वेदों को धार्मिक शिक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम के रूप में माना। उनके लिए धर्म स्वयं की प्राप्ति और दिव्यता की प्राप्ति है। ये न केवल व्यक्ति के विकास में बल्कि कुल पुरुष के परिवर्तन में भी मदद करता है। सच्चा धर्म किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं हो सकता। उन्होंने विश्व धर्म की एकता के लिए वकालत की। धर्म का अभ्यास करते समय उन्होंने सच्चाई का अनुभव किया। सत्य शक्ति है, असत्य दुर्बलता है। ज्ञान सच है, अज्ञान असत्य है। इस प्रकार सत्य शक्ति साहस और ऊर्जा बढ़ाती है। ये प्रकाश का स्रोत है और इसलिए व्यक्तिगत और सामूहिक कल्याण के लिए आवश्यक है। विवेकानंद के दृष्टिकोण में नैतिकता धर्म एक ही है। भगवान हमेशा अच्छाई के पक्ष में है। भलाई के लिए लड़ना भगवान की सेवा है। नैतिक और धर्म शिक्षा युवा पुरुषों और महिलाओं के बीच आत्मविश्वास को विकास करती है।